संकट के वक्त अक्सर नकारात्मक चीज़ों का या पहलुओं का जिक्र होता है, पर सकारात्मक पहलुओं को कहीं हम नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर मानसिकता के आधार पर हम उसको उतना अहम नहीं मानते। मैं कुछ उन्हीं बातों का जिक्र इस कविता के माध्यम से कर रहा हूँ कि हल्का हुआ प्रदूषण का पैमाना, अब शोर शराबा भी हुआ है कम। कि हल्का हुआ प्रदूषण का पैमाना, अब शोर शराबा भी हुआ है कम। कृत्रिम वस्तुओं से किनारा हो रहा ईश्वरीय धरोहर में अब लगता है दम। कि रोग कम है, रोगी कम है, कि रोग कम है, रोगी कम है, तंदुरुस्ती की तरफ है बड़ा रुझान। कि रोग कम है, रोगी कम है, तंदुरुस्ती की तरफ है बड़ा रुझान। घर का खाना भाने लगा है, कि घर का खाना भाने लगा है, बाहर का बलगता फीका पकवान। कि रोग कम है, रोगी कम है, तंदुरुस्ती की तरफ है बड़ा रुझान। कि लाख तरीके व्यवसाय के, कि लाख तरीके व्यवसाय के उद्योग बनाते हैं धनवान। कि लाख तरीके व्यवसाय के उद्योग बनाते हैं धनवान। कि बंद पड़े सब कल कारखाने, सर्वोपरि है खेत खलिहान। कि हल्का हुआ है प्रदूषण का पैमाना, अब शोर शराबा भी हुआ है कम। अनावश्यक पर लगेगा अंकुश, कि अनावश्यक पर लगेगा अंकुश, मूल्यवान कुछ होंगी बेमोल। कि जीने को जो अथाह जरूरी, कि जीने को जो अथाह जरूरी, जीवन में बस उनका ही रोल। कि अनावश्यक पर लगेगा अंकुश, कितने वरदान मिले अनजाने में, कितने वरदान मिले अनजाने में, जितना संभव न था पहले कभी। कितने वरदान मिले अनजाने में, जितना संभव न था पहले कभी। कि धैर्य विवेक अब तक रखा है, बस थोड़े दिन और रखो सभी। कि धैर्य विवेक रखा है अब तक, बस थोड़े दिन और रखो सभी। कि हल्का हुआ प्रदूषण का पैमाना, कि अब शोर शराबा भी हुआ है कम। कृत्रिम वस्तुओं से किनारा हो रहा ईश्वरीय धरोहर से अब लगता है दम। कि हल्का हुआ है प्रदूषण का पैमाना, अब शोर शराबा भी हुआ है कम।